सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे पर एक टेस्ट के बाद तीन टी20 मैचों की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जहां इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला टी20 मुकाबला 7 जुलाई 2022 थर्सडे को खेला जाएगा साउथम्पटन के दरोज बॉल के स्टेडियम में। और यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात को 10:30 बजे से यानी कि 10:30 PM से यह मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। आपको बता दें कि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच यह टी20 सीरीज भी काफी रोमांचक, काफी जबरदस्त होने वाला है, जहां पहले टी20 मुकाबले में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ये सभी बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। हालांकि रोहित शर्मा पहले टी20 मुकाबले से ही खेलते हुए दिखाई देंगे, साथ ही साथ कप्तानी भी रोहित शर्मा ही करने वाले इस पूरी टी20 सीरीज में। आपको बता दें कि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच ये टी20 सीरीज 7 जुलाई से शुरू होने वाली है, जो 10 जुलाई 2022 तक खेला जाएगा। तो इंग्लैंड की टी20 टीम से भी कई सारे खिलाड़ी को आराम दिया गया है, जहां जॉनी बेयरस्टो, बेनी स्टोक, जबकि जो रूट टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं है, ये रेस्ट पर हैं। इसके अलावा टीम में जोश बटलर कप्तानी कर रहे हैं टी20 सीरीज में, इसके अलावा ओडीआई सीरीज में भी वही कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, जबकि टीम में मोइन अली, सैम करन, जेसन रॉयस समेत कई शानदार विस्फोटक खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। तो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच यह टी20 सीरीज काफी शानदार, काफी जबरदस्त होने वाला है। इस वीडियो में आगे इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की कंफर्म प्लेइंग 11 आपको बताने वाले हैं कि आखिर टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाला है पहले टी20 मुकाबले के लिए। चलिए बात करते हैं पहले टी20 मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। तो एज ओपनर नंबर 1 पर होंगे हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा कप्तान, जो टेस्ट मुकाबला नहीं खेले थे कोविड-19 की वजह से, लेकिन अब ये पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, टीम को ज्वाइन कर चुके हैं और पहले टी20 मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। जबकि नंबर 2 पर कई सारे ऑप्शन टीम इंडिया के पास हैं, एक ईशान किशन के तौर पर जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ अभी तक तो कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए। जबकि तीसरा ऑप्शन यह है कि आप संजू सैमसन से भी ओपनिंग की बल्लेबाजी करवा सकते हैं, संजू सैमसन ने भी शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया रोहित शर्मा और ईशान किशन के साथ ही जाने वाली है। तो दोनों ही बल्लेबाज करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी। जबकि नंबर 3 पर होंगे दीपक हुड्डा, जो शानदार गजब के फॉर्म में चल रहे हैं, इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, तो वहीं 2 टी20 प्रैक्टिस मैच में भी दीपक हुड्डा ने गजब की फॉर्म दिखाई थी और इस पहले टी20 मुकाबले में दीपक हुड्डा खेलते हुए दिखाई देंगे। जबकि नंबर 4 पर होंगे सूर्य कुमार यादव और नंबर 5 पर होंगे दिनेश कार्तिक, फिनिशर, विकेट कीपर, बैट्समैन, जबकि नंबर 6 पर होंगे जबरदस्त ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो अपने बल्ले और गेंद दोनों से ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं टीम इंडिया के लिए। अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर होंगे अक्षर पटेल, स्पिनर ऑलराउंडर, जबकि नंबर 8 पर होंगे हर्षल पटेल, जो अपनी गेंदबाजी में काफी मिश्रण करते हैं। इसके अलावा ये अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, जहां दूसरे टी20 प्रैक्टिस मैच में इन्होंने शानदार जबरदस्त 50 बनाई थी। तो इसके बाद नंबर 9 पर होंगे भुवनेश्वर कुमार, एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, जो काफी किफायती गेंदबाजी करा रहे हैं। अगर हम बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर युजवेंद्र चहल, बेहतरीन स्पिनर। अगर हम बात करें नंबर 11 की, तो नंबर 11 पर होंगे अवेश खान, युवा तेज गेंदबाज, या फिर उमरैन मलिक, जो काफी तेज गेंदबाजी करते हैं। तो ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पहले टी20 मुकाबले के लिए, जो कि लगभग 100% कंफर्म है कि इसी प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया पहले टी20 मुकाबले में उतर सकती है।